बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा साल एक साथ रहने वाले लोग जो कि एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहता है, उनका कनेक्ट रहते हैं, वो अटैच रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी के मौके पर भी अपने जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उसको नहीं भूलते। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियां नसीब करे। वो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस टाइम मेरी फैमिली का दर्जा रखते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और वो लोग जो अब मेरी वीडियो पर आ रहे हैं और मेरे साथ अटैच हो रहे हैं, उनको भी ढेर सारी खुशियां मुबारक। और अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात को हल करे, आसानियाँ पैदा करे। जो ये बी फॉर यू का मामलात हैं, अल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द इस दिन के सदके जो है ना आप लोगों की आसानियां पैदा करें, क्योंकि आज ईद का दिन है, ये बहुत खुशी का दिन होता है। अल्लाह ताला इस दिन दुआएं कबूल करते हैं। हर चौक पर एक फरिश्ता मौजूद होता है जो दुआओं को कबूल करता है और आमीन कहता है, और मगफरत जो मांगता है उसको दी जाती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन खुशियां ज़रूर मनाएं, लेकिन खुशियों के साथ साथ अपने रब को ज़रूर याद करें, अपने लिए आसानियां पैदा करने की दुआएं करें, अपने लिए मगफरत की दुआएं करें, कि क्योंकि ये ईद का दिन बड़ी खुशी का दिन होता है, लेकिन खुशी के अंदर बाज़ लोग बहुत हद तक आगे निकल जाते हैं, वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने रब को नहीं भूलना, नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद आपने आज के दिन अपने लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अपने नसीब के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात हल करे, और अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली के ऊपर आप लोगों का साया कायम रखे, और आपके बुज़ुर्गों का साया भी आप लोगों के ऊपर कायम रखे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो शॉर्ट है, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।